मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस को गंभीरता से लेते हुए जनता से अपील की है कि सभी लोग घर में रहें। शिवराज ने कहा, जनता उनके लिए भगवान है। उन्होंने कहा, कोरोना से मुकाबला करना है तो घर में रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश की चौथी बार कमान संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान की पहली प्राथमिकता प्रदेश को कोरोना से मुक्त करना है। शिवराज ने प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से अपील की है कि सभी अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। कोरोना से सुरक्षा के लिए सावधानी जरूरी है। शिवराज ने कहा, जनता मेरे लिए भगवान है, जनता की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। कोरोना से बचने के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लेने के बाद पहला ट्वीट भी कोरोना वायरस को लेकर ही किया था। आज दुनिया एक महामारी से जूझ रही है। कोरोना दुनिया पर, हमारे देश और प्रदेश पर भी कहर बनकर टूटा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमें इसका मुकाबला करना है, इससे लड़ना है और लड़के इसको हराना है। और कोरोना का हराने का सबसे प्रभावी उपाय है अपने घरों में रहना, लोगों के संपर्क में ना आना। ये संपर्क की कड़ियां हमको तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि घर के बाहर अगर हम निकले और किसी कोरोना कैरियर के संपर्क में आ गए तो वो हमें भी अपना ग्रास बना लेगा। इसलिए मेरी विनम्र अपील है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता मेरे लिए भगवान है। आपकी जिंदगी बचाना, आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखना, यह हमारा कर्तव्य है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, आप कृपया करके घरों से बाहर मत निकलिए, अपने आप को घर में रखिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।